नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। कोरोना काल के शुरुआत से ही एक्शन में नजर आ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कैबिनेट में भी अब कोरोना वायरस का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 5 मंत्री इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मंत्रियों को लेकर भी सतर्क हो गए हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी ये सलाह दी है कि किसी भी तरीके का हीला हवाली न करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 5 मंत्री भी इस समय जो है कोरोना के से संक्रमित हो चुके हैं। सीएम ने, योगी ने निर्देश दिया है कि मंत्रियों को निर्देश दिया है कि अपने घर और अपने दफ्तर में ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठा होने दे, सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्री भी पालन करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि घर हो चाहे दफ्तर, रोज़ सैनिटाइजेशन करें, क्योंकि मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, जनप्रतिनिधि के यहाँ आम लोगों का आना जाना रहता है। लोग अपनी परेशानियों को लेकर अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ जाते हैं। ऐसे में उनका साफ कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें। और उन्होंने मंत्रियों को और विधायकों को भी ये भी सलाह दी है कि बहुत ज़रूरी हो तभी वो फील्ड में जाएँ, अन्यथा लोगों से मिलने से बचे, जो भी काम है उसको उसका सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए उस चीज़ का किया जाए, ताकि कोरोना का संक्रमण का एक जो चैन है वो टूट सके। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब मंत्रियों को भी सलाह दी है। उनका कहना है कि घर हो चाहे दफ्तर हो, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा इकट्ठा ना होने दे। इसके साथ ही रोज़ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाए। आपको बताते चलें कि इस उत्तर प्रदेश के में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, पूर्व क्रिकेटर, और उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री चेतन चौहान, उपेंद्र तिवारी समेत 2 और लोग हैं जो इस समय कोरोना के संक्रमण में है। के साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना का मामला बढ़ रहा है, यूपी सरकार शुरू से ही एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा बैठक भी किए हैं, कई जिलों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण भी किया है कोरोना के मामलों को लेकर के। ऐसे में अब मंत्रियों तक, मंत्रिमंडल तक कोरोना का संक्रमण पहुँच जाना कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर कहाँ चूक हो रही है। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण किसी को भी बख्श नहीं रहा है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अब तक जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है, प्रदेश में लगभग 34,000 से भी अधिक कोरोना के मामले हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 22,000 से भी ज़्यादा लोग अब तक इससे रिकवर हो चुके हैं। अब प्रदेश में समय एक्टिव केसेस की बात करें तो लगभग 12,000 के आसपास एक्टिव केस बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो लगातार जो है अब इस तरीके से कोरोना का संक्रमण का जो मामला बढ़ रहा है, इसको लेकर के अब योगी आदित्यनाथ ने अब आम पब्लिक के साथ साथ अब मंत्रियों को भी सलाह दे दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से मिलने जुलने से बचें, और जितना से हो सके उतना लोगों से कम मिले। साथ ही अगर कोई घर पे आता भी है, दफ्तर में उनके आता है ज़रूरी काम को लेकर के, तो घर और अपने दफ्तर का रोज़ाना सैनिटाइजर मुख्य रूप से करवाएँ।